मध्य प्रदेश सरकार में कद्दावर विधायक और कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री कमल पटेल पर एक ग्रामीण महिला ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारा परिवार कांग्रेस विचारधारा का है, इसलिए मेरे द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि को मंत्री जी ने अपने रसूख के चलते अधिकारी से मेरा नामांतरण निरस्त करवा दिया है। मेरे द्वारा आनंद पिता शिव नारायण रुखड़िया से 4.4 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी, जिसकी 26/7/2021 को विधिवत रजिस्ट्री व नामांतरण भी हो चुका था, लेकिन और मेरे नाम से ऋण पुस्तिका भी बन चुकी थी और आनंद ने मुझे भूमि का कब्जा भी सौंप दिया और मैं मेरे परिवार के साथ उक्त भूमि पर कृषि करने लगे। लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने रसूख के चलते पुरानी तारीख में झूठा आवेदन दिलवा कर संशोधित पंजी निरस्त करवा दी और 21/12/2021 को मेरा नामांतरण निरस्त करवा दिया और मेरी जमीन 1998 में मृत व्यक्ति श्री राम पिता रुखड़िया के नाम करवा दी, जिसके मैंने नर्मदापुरम आयुक्त को अपील कर दी और नर्मदापुरम आयुक्त ने 16/9/2022 को मेरे पक्ष में फैसला कर तहसीलदार को रिकॉर्ड में जमीन पूर्ववत मेरे नाम से करने के आदेश जारी कर दिया है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। 2021 को हमने जमीन खरीदी आनंद शिवनारायण रुखैया से, पूरी जमीन हमारे नाम आ गई, विधिवत पूरा कार्य हुआ, इसका रजिस्ट्री हुई, तहसीलदार महोदय ने हमारे नाम पर कर दी। किसी भी हमने आपत्ति लगाई कि कोई किसी को आपत्ति हो तो वो आकर बताए, उस समय किसी ने भी आपत्ति नहीं लगाए, हम उस पर कृषि कार्य करने लग गए। उसके बाद में मंत्री जी को आपत्ति हो गई उस पर, उन्होंने हमारे विरोधियों से मिलकर इस मामले में केस लगवा दिया मेरे ससुर के खिलाफ, उनके झूठा प्रकरण बनाकर 2021 में 307 और हरिजन एक्ट लगवाया। इसके बाद मेरे ससुर 5 महीने जेल में रहकर आए झूठे केस में, 5 महीनों के बाद उन्हें बेल मिली, 5 महीने उन्होंने जमानत नहीं होने दी मंत्री जी ने, कमल जी पटेल ने, बेल होने के बाद में हम उन्हें केस फिर से रीओपन करवाया जमीन का। जमीन पर हमने कब्जा ले लिया कमिश्नर से, कब्जा मिलने के बाद भी मंत्री जी की दबंगई के कारण हम उस पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस मामले में जांच की मांग करें। कितनी जमीन है? 4 एकड़ 4 डिस्मिल। कहाँ पर स्थित है? बम्बई में। कितना प्रकरण दर्ज कराया है? एक पहले एक करवाया था 2021 में, इसके बाद में अभी फिर से करवा दिया हरिजन एक्ट लगवा, 1/12/2022 को फिर से केस लगवा दिया मेरे ससुर। अभी कहाँ जमानत मिल रही है कि अभी नहीं मिली? अभी नहीं मिली है। कोई धमकी हमकी तो नहीं मिली आपको? धमकियाँ मिलती है, बिल्कुल मिलती है। किनकी तरफ से मिलती है? माननीय मंत्री जी की तरफ से, हमें खेत पे नहीं जाने दिया जाता है दबंगई के कारण, हमारे पास रजिस्ट्री होने के बावजूद हम खेत नहीं जोत पा रहे हैं। ये तो मंत्री जी बता सकते हैं आपको कि क्या कारण, हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, हम उनके सामाजिक बंधु आते हैं, सामाजिक बेटी हूँ मैं उनकी, तो वो आप बताएं उन्हें, आप बताएं हमें कि वो क्या परेशानी उनको हमारी जमीन से, पैसे देकर हमने जमीन खरीदी है, कोई ऐसे तो कब्जा करने गए नहीं है वहाँ पर, तो अब ये तो मंत्री जी बताएंगे कि क्या जातीय दुश्मनी हो गई हमसे, कि पूजा से आपको कौन सी जाति की दुश्मनी है जो आप उसको खेती नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।